वेलकम गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो शुरू करते हैं, जो इरेंगल 2.0 का कुछ सीक्रेट प्लेस देखना पड़ेगा। ये देखो, ये जो पिन किया 3 कैप है मिल्डर बेस का, यहाँ पे जो पहला वाला कैप है वहीं पे आपका जो पहला प्लेस मिलता है। ये जो दीवार जमीन फट गया है यहाँ पे आके खड़ा होने से, आप उसके नीचे चले जाओगे, ठीक है? पूरा उसके नीचे जाओगे एंड थोड़ी देर बाद अपने आप ऊपर आ जाओगे, ठीक है? ऊपर स्पॉन हो जाओगे। तो ये सीक्रेट प्लेस नहीं है, सीक्रेट प्लेस उसके पीछे है, ठीक है? ये जो कैप है उसके पीछे है। कहाँ उसके पीछे कैसे जाना है? यहाँ पे नीचे घुसोगे एंड थोड़ा तैरते तैरते ये जो सामने दीवार दिख रहा है ना, उसको उसके पीछे जाना है। ये देखो, ऐसे ही तैर के आप लोग इसके पीछे आ जाओगे। ये दीवार को पीछे से नीचे से उसको कवर करके ये दीवार के उस पार आ जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है, मतलब 2-3 स्क्वाड आके पिकनिक मना सकते हैं। एंड अगर कोई रैंक पुश कर रहा है या स्क्वाड में या डो में सोलो में, तो यहाँ पे आ जाओ कि भाई, मतलब काफ़ी टाइम यहाँ पे जोन बनता है। अगर मिल्डर मैच में जोन बनता है तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि एक बनता है ब्रिज के साइड या तो ये मिल्डर बेस के, मतलब ये कैप के साइड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जोन बन गया तो भाई मतलब तबाही बन जाएगा। एंड इस वीडियो के साथ थोड़ा पबजी के न्यूज़ के अपडेट में थोड़ा कर लेते हैं। तो पबजी में अभी सुनने को मिला है कि जो टांसेंट है तो वो अपना पूरा हेड ऑफिस ट्रांसफ़र कर रहा है चाइना से सिंगापुर, क्योंकि भाई आप सभी लोगों को पता होगा कि मतलब टांसेंट के वजह से ही वो एक चाइनीज़ कंपनी है, इसी वजह से पबजी को इंडिया में बैन कर दिया गया। तो इंडिया में बैन कर दिया गया, उसी के साथ साथ काफ़ी सारा ऐप जो है चाइनीज़ ऐप बाकी देशों में बंद किया गया है। इंडिया के साथ साथ पबजी को भी बाहर देश में बंद किया गया है, ठीक है? तो चाइनीज़ का मतलब उनके कंट्री का, चाइना का, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट रूल है कि मतलब कुछ भी प्राइवेट कंपनी है उनके कंट्री में तो गवर्नमेंट उनका डाटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? इसलिए भाई हमारा इंडिया जो जितना प्लेयर है इंडिया से, मतलब उसको आधे से ज़्यादा प्लेयर एक्टिव प्लेयर मिल रहा था, तो जितने भी प्लेयर हैं उनका डाटा को वो उनके गवर्नमेंट ने एक्सेस कर सकता है, ठीक है? तो इसी वजह से इंडिया ने उसको बैन किया है। तो पिछली न्यूज़ में सुनने को मिला था कि जियो के साथ मिलके इंडिया में कुछ सेटअप करेगा पबजी अपना खुद का, मतलब डाटा बेस, वहाँ पे इंडिया प्लेयर का डाटा स्टोर रहेगा एंड वगैरह वगैरह, आप सभी लोग यूट्यूब से देख सकते हैं। तो अभी जो बात है कि जो चाइना से सिंगापुर शिफ्ट कर रहे हैं उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा भाई? तो जो पबजी आना था वो तो आएगा, या ग्लोबल अगर सेटअप वहाँ से सिंगापुर ले रहे तो ग्लोबल को कंटिन्यू करेगा, वो तो बाद में मिलेगा। ऑफिशियल में कुछ पबजी ने डाला नहीं है, फिर भी देखते हैं। मतलब इंडिया में जब पबजी आएगा उसमें 2-3 महीना लग जाएगा, ठीक है? वो बैन तो हो गया सिंपली, लेकिन अनबैन करने के लिए इंडिया का जितने भी रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, लीगल प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद पबजी अनबैन होगा, ठीक है? तब तक तो भाई पबजी सही सलामत चल रहा है, मतलब सर्वर वगैरह सही से चल रहा है, बट जियो नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसमें ऑडियो का ग्लिच हो रहा है, मैप वगैरह डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उसको मतलब इग्नोर करो, वैसे बस अदर नेटवर्क में वो सब का प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। एंड ये देख सकते हो गाइस, इसके पीछे मतलब जो दीवार है वो मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो असल में है लेकिन अंदर से नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप रुक के मतलब बाहर पर कोई भी थ्रोएबल यूज़ कर सकते हो, फायर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो इंडिया के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमारा तो पबजी चल रहा है सही सलामत, तो पबजी खेलते हैं हम, ठीक है? एंड जिन लोगों ने भाई आरपी नहीं लिया है तो आरपी भी ले सकते हो, क्योंकि आरपी ख़त्म होते होते इंडिया के लिए जो ऐप आएगा या ग्लोबल चलेगा उसके ऊपर तो न्यूज आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये सीजन तो जाएगा, ये सीजन आप लोग को इसी ग्लोबल में खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस 2-3 महीना लग जाएगा, ठीक है, नया ऐप आने में। आप सभी लोगों को पता होगा भाई इंडिया का कितना रोल होता है, कितना लीगल प्रोसेस होता है, वो सबको कंप्लीट करने के बाद ही पबजी को इंडिया में वापस आएगा, नहीं तो प्ले स्टोर से वो गया है, वापस नहीं आएगा, ठीक है? तो अभी
प्ले स्टोर से हट गए हैं तो यूसी भी नहीं खरीद सकते हो आप। अगर किसी को यूसी चाहिए या 10-15 यूसी खर्चा कर दिया कोई तो आरपी नहीं ले पा रहा है, तो उसको कमेंट करके बताओ कैसे आरपी के लिए यूसी लेना है या ख़रीदना है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अभी जो अपडेट आ चुका है इरंगल 2.0, इसको अगर आप सभी लोग अपडेट नहीं किए हो तो मेरा पिछले वीडियो जाके देख लो, वीडियो के नीचे मैंने डाल दिया हूँ उसका लिंक, जाके देखो उसको एंड अपडेट कर लो। ठीक है, तो अभी आते हैं जो हमारा दूसरा सीक्रेट प्लेस है वहाँ पे चलते हैं। तो ये जो सीक्रेट प्लेस है यहाँ पे देख सकते हो मैप में कामा सखी के पास, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये लास्ट वाला जो घर है वहाँ पे, ये जो सामने वाला ये बाहर का व्यू देख लो, यहाँ पे टूटा फूटा ट्रक पड़ा होगा। ये जो घर है स्टेयर वाला, इसके अंदर जाना है, ये जो साइड में छोटा सा घर होता है ना उसमें घुसना, ये वाला नहीं, उसके साइड वाला घर में। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक मतलब दरवाजे का ट्रक पड़ा है, इसको कैसे खोलना है मैं बताता हूँ। पहले आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर लो। अब देखो यहाँ पे रैंडम फायर करोगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मतलब अंडरग्राउंड बेस है, तो इसको देखो यहाँ पे अच्छा खासा लूट भी मिलता है। तो अगर ये दोनों सीक्रेट प्लेस के बारे में आप सभी लोगों को पता था तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं था तो उसको भी कमेंट करके बताओ। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो। अगर इस तरह वीडियो पाना है तो आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड अपने दोस्तों को भी बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं जब भी इस तरह का कुछ अपडेट डालता रहूँगा या ट्रिक्स डालूँगा या कुछ भी सीक्रेट प्लेस डालूँगा तो आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, थैंक यू गाइज, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।